आ, आम तरीन जो ऑथेंटिक जो खबर है ऑर्गेनिक जो खबर है उसके हासिल करने का जरिया है जाहिर है कि वेस्टर्न मीडिया जो रिपोर्ट करता है वो बायसनेस से खाली नहीं है आप किसी भी व्लॉगर का व्लॉग उठाकर देख लें जो अफगानिस्तान इन गुजशत दो सालों में गया हो वो चाहे हिंदू हो के मुसलमान हो बहुत से हिंदू भी गए हैं वो आकर अपने ब्लॉग्स में यही बता रहे हैं कि भाई इतना अमनो अमान है कि सड़क पर चलते हुए कोई आदमी किसी को किसी औरत को छेड़ नहीं सकता किसी लड़की को छेड़ नहीं सकता आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाए पहले यह होता था कि वॉर लॉर्ड्स ने अपने अपने इलाके तकसीम किए हुए थे और उन लोगों की जो जिंदगी है वो इसी पर चल रही थी कि वो एक दूसरे को मारें एक दूसरे से भत्ता लें और एक दूसरे से तावान लें अगवा करें ये पूरे मुल्क का निजाम था एक मुल्क जो चालीस साल से जंगों के अंदर घिरा हुआ हो वो ओवरनाइट ऐसा हो जाए कि जैसा कि वहां कोई जुर्म कभी हुआ ही नहीं था वो इतना अमनो अमान वहां पर हो जाए ये किस चीज का नतीजा है ये दरअसल उस इस्लामी निजाम और इस्लामी कानून का नतीजा है कि जिसकी बाज मरतबा दहशत लोगों को जुर्म करने से बाज रखती है यही सूरत हाल सऊदी अरब की है तो अफगानिस्तान चूंकि भी उसका दुनिया से रबता उस पैमाने पर नहीं हुआ है यही वजह है कि वहां का जो ऑफिशियल डेटा है वो सामने नहीं आ पाता लेकिन सऊदी अरब का जो डेटा है वो बहरहाल सामने है इस वक्त सेकुलर निजाम का जो दो बड़े चैंपियन हैं उनमें एक अमेरिका है और दूसरा फ्रांस है तो मैं आपके सामने जो है ये एक डेटा पेश करना चाहूंगा इसको आप देखिएगा और इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस्लामी निजाम के की क्या खसूसियत है ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जस्ट अ सेकेंड ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट आ गई है नेशन मास्टर डॉट कॉम और इसमें जो है वो सऊदी अरब और अमेरिका का कंपैरिजन किया गया है और यह कंपैरिजन है नंबर ऑफ अच्छा ये जो ये जो कंपैरिजन है वो तकरीबन हंड्रेड थाउजेंड की पॉपुलेशन के ऊपर है और हंड्रेड थाउजेंड की पॉपुलेशन पर जराइम किस तरीके से हो रहे हैं और ये अलग अलग जराइम है आप साथ में देख लें और उसके बाद जो रैंक है या इसी तरीके से जो रेशियो है वो भी आप देख लें एक तरफ सऊदी अरब है और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है तो बर्गलरीज यानी ऐसी वारदात के जिसमें एक आदमी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसता है ये अलग बात है कि वहां से वो कोई चीज चुराए या ना चुरा पाए लेकिन बहरहाल वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी प्रौपर्ट में, में घुस जाए एक लाख लोगों पर सिर्फ जीरो पॉइंट वन परसेंट सऊदी अरब में और जबकि सेवन हंड्रेड एंड फोर्टीन पॉइंट फोर परसेंट अमेरिका में उसके बाद जो क्राइम लेवल है वो है 23.441 परसेंट सऊदी अरब में और फिफ्टी फाइव परसेंट अमेरिका में ये टू टाइम्स मोर देन सऊदी अरबिया यानी सऊदी अरब से डबल इसी तरीके से ड्रग्स ड्रग्स का तो क्या कहना जो कैनबीज हैं उनका जो सालाना इस्तेमाल है वो 0.3 परसेंट है सऊदी अरब में और 13.7 परसेंट है यानी 46 सिक्स टाइम्स ज्यादा सऊदी अरब के मुकाबले में अमेरिका में तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो ड्रग्स हैं वो दरअसल जराइम की जड़ है एक आदमी जब ड्रग लेने लगता है तो फिर उसको एहसास नहीं होता कि वो कौन सा जुर्म कर रहा है वो कत्ल भी करता है चोरी भी करता है ड्रग्स के नशे में आकर तो लेकिन उन ड्रग्स का इस्तेमाल किस तरीके किस कदर यानी अमेरिका में है आप अंदाजा लगा लीजिए सऊदी अरब में वो आपके सामने है इसी तरीके से जो दूसरे अंदाज की ड्रग्स हैं जैसे ओपीएम वगैरह वो 0.01 है सऊदी अरब में जबकि 0.57 है यानी 57 टाइम्स ज्यादा सऊदी अरब के मुकाबले में इसी तरीके से जो जस्टिस सिस्टम पनिशमेंट है वो दोनों बराबर हैं अब ये यानी जो जो कैपिटल पनिशमेंट है आ, और एग्जीक्यूशन जो हुआ है वो बराबर हुआ है आ, पिछले साल वो ये कि दो सऊदी सौ, अरब के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी गई और 2014 को ही अमेरिका के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी गई तो ये दोनों के, ये दोनों बराबर हैं। यानी कैपिटल पनिशमेंट लास्ट एग्जीक्यूशन ईयर ये लिखा हुआ यानी दोनों तकरीबन बराबर हैं। सेम एज यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर ये, ये रेशियो बराबर आ रहा है तो फिर जरा के अंदर इतना फर्क क्यों है उसकी वजह यही है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है भी कुछ अमेरिका के बाद टू पॉइंट है जबकि हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स परसेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में, में। टोटल अब आप यह देख लें कि टोटल क्राइम में कोई मुआवजना ही नहीं है 84,599 अगर सऊदी अरब में क्राइम्स हो रहे हैं तो 11.88 मिलियन क्राइम्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहे हैं 100 नंबर वन ज्यादा जी हाँ तो ये आ, सूरत हाल है तो भाई अगर इस्लामी निजाम कहीं आएगा तो फिर इस्लामी निजाम की बरकतें भी आएंगी और वो बरकतें ये हैं कि मुआशरा जराइम से पाक होगा और लोग जो है इंडिया में मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त हंगामा है कि भाई ये किस तरह का कानून का है लोगों की गर्दने उड़ा दी जाती हैं गर्दने उड़ती हैं कातिलों की तो फिर कतल रुकता है चोरों के हाथ कटते हैं तो चोरी रुकती है और जानियों के ऊपर जब कोड़े बरसते हैं तो जिना रुकता है और माशरा इन जराइम से पाक होता है ये दिया हुआ निज़ाम है जी जी असल में मुफ्ती साहब इसमें एक पॉइंट जो आपने भी रखा मैंने कहा मैं भी रख थोड़ा सा कर कि अगर हम शरिया कानून को अच्छे से देखें ना तो लोगों को यह समझना चाहिए कि शरिया कानून का जो मकसद है ना वो एग्जीक्यूशन नहीं है वो डिटरेंस इंटरनेशनल Am रोज मतलब चिल्लाते हैं गला फाड़ फार्टी की कैपिटल पनिशमेंट शुड बी यू नो बैन एंड पार्शली आई एग्री विद क्यों क्योंकि जो कैपिटल पनिशमेंट बाकी सेक्यूलर कंट्रीज में है ना वो ऐसा ही है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा

तो बहरहाल आल ये हुआ कि यानी दुनिया ने इस पूरे वाक़े को सोशल मीडिया की वजह से जाना और देखा तो एक अच्छी बात है कि सारी दुनिया को पता चल गया कि इस्लामी निज़ाम किस तरीके से होता है और बेलाग लपेट ये भी तो हो सकता था अब आप देखें सेक्युलरिज्म की जो कारस्तानियां हैं वो ये हैं कि ये ये कानून इंडिया में भी है द वे कि मसलन एक आदमी ने किसी को कत्ल किया और उसको फिर लोअर कोर्ट से सजा हो गई फिर हाई कोर्ट से सजा हो गई फिर सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई और उसके बाद हुआ ये कि वो साल, 15 20 साल मसलन 15-20 साल जेल में सड़ा अपनी मौत का इंतजार करते हुए आखिर में सदर जमहूरिया जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको जो है वो रहम आया और उन्होंने दस्तखत किए वो बंदा जेल से छुट गया उसकी या, या उसकी सजाए मौत माफ हो गई तो भाई सदर का उस मकतूल से कोई लेना देना तो है नहीं वो मकतूल का रिश्तेदार तो है नहीं कि उसको कोई इमोशनल उससे कोई अटैचमेंट होगा मतलब बंदा गया किसी और का माफ कर रहा कोई और यह है सेक्युलरिज्म इसके मुकाबले में इस्लामी निजाम क्या है इस्लामी निजाम यह है कि मकतूल के रिश्तेदारों के सामने कातिल के रिश्तेदारों ने नाक रगड़ ली और अपने कुर्ते उतार दिए अपने अपनी पगड़ियां जमीन पर रख दी यानी पगड़ी का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इंडियन कल्चर में इसकी बड़ी अहमियत है उन्होंने अपने इकालों को अपने रुमालों को जमीन पर रख दिया अपने सरों के ऊपर उन्होंने रेत डाल दिए और उन्होंने क्या कुछ ऑफर नहीं की हो सकता है और पूरी दुनिया के अंदर यह वाकया चला गया सारी दुनिया में सऊदी अरब में इसके अलावा कोई दूसरी चीज मौजू बहस नहीं थी हकूमत की नजर में यकीन ये चीज आई होगी लेकिन यह भी तो हो सकता था कि मोहम्मद बिन सलमान इसमें इंटरवीन करते और ये कहते कि भाई चलो ठीक है मैं सिफारिश कर रहा हूं उनको माफ कर दो वगैरह वगैरह हो सकता है कि अगर बादशाह या वली अहद इंटरवीन करते तो माफ हो जाता या वो खुद माफ कर देते अगर बादशाह माफ कर दे तो मकतूल के रिश्तेदारों की क्या मजाल थी कि वो कातिल को फिर उसके ऊपर किसास नाफिज कर देते नहीं ऐसा नहीं हुआ सारे कबीले वाले रोते रहे अगर मकतूल के रिश्तेदार ने माफ नहीं करना था तो नहीं किया हकूमत कुछ नहीं कर सकती थी चूंकि हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि हकूमत का काम है इस मामले को इस बात को किसास को एग्जीक्यूट करना यह इस्लामी निज़ाम की खूबसूरती है सेक्यूलर निजाम में एक थर्ड पर्सन माफ करने का हकदार है जबकि इस्लामी निजाम में माफी का उसी को है कि जिसका नुकसान हुआ है ये बहुत बड़ा फर्क है कि जिसको लोगों को समझना चाहिए